नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। इस वक्त हम पटना के राजभवन में खड़े हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। महामहिम राज्यपाल फागू चौहान ने तमाम जितने मंत्री हैं, मंत्री बने हैं, उन्हें शपथ दिलवाई है मंत्री पद की। और ऐसे में कुछ मंत्रियों से हमने बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उनका मंत्री बनने के बाद, ज़रा सुनिए। मैं ऐसा इंतज़ार था कि शहनवाज हुसैन बिहार में मंत्री बनेंगे, क्या लगता है? दिल्ली से बिहार, फिर बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से बिहार। अरे मैं तो बिहार का ही था, दिल्ली में था, पार्टी का काम कर रहा था, दिल्ली में थोड़ी कर रहा था, पूरे देश में कर रहा था। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, कमल खिला के दिखाओ, जाके कश्मीर में 56 इंच की छाती वाले नेता के सिपाही हैं, जाके कमल खिला के दिखा। आने वाले समय बंगाल भी जा सकता है? बंगाल तो जाऊंगा ही, उसमें कोई शक है? कौन ऐसा स्टेट है जहां चुनाव में मैं नहीं जाता हूं? बिहार वहां सरकार बनाएंगे कमल के फूल की। बंगाल में कितनी बड़ी एक खुशी है कि हम लोग आएंगे, दीदी जाएंगे। हाँ, कितनी बड़ी खुशी है कि बिहार में फिर जिम्मेदारी मिली है आगे? देखिए, खुशी की बात नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी हैं, और ये जो अभी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बड़ी और छोटी नहीं होती, कोई पद छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई विभाग छोटा बड़ा नहीं होता, सेवा होती है, तो जो सेवा कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन कुछ तो उम्मीद होगी ना कि विभाग मिलेगा, उद्योग मंत्री? क्या, हमने तो पार्टी ने मुझे इतना पहले दिया है कि बिना विभाग के भी काम कर सकते हैं। उनकी धर्मपत्नी जी भी हैं, काफी खुश हैं, आज का दिन काफी अच्छा है। जी बिल्कुल। क्या उम्मीद करेंगे शहनवाज जी, क्या आगे? ये तो हमेशा अपना काम निष्ठापूर्वक करते ही हैं और बहुत मेहनत से करते हैं। जिस राज्य में इन्हें भेजा जाता है प्रभारी बना के, वहाँ भी इलेक्शंस में काम करते हैं कमल के लिए, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिहार को आगे, अब आगे बढ़ाना है, जब यहाँ जिम्मेदारी मिली है तो मैडम को भी योगदान देना है। मैडम को काफी गर्व है, उनके विवाद को भी पूरा करना है कि बिहार में आगे बढ़ना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। और क्या, मैडम बिहार की बहू है, भले रहने वाली दिल्ली की, हरियाणा की हो, लेकिन बिहार से इनका भी कमिटमेंट उतना ही है। निश्चित तौर पे खुशी तो होगी, खुशी हुई है। चकाय की जनता, सोना की जनता के लिए क्या आगे प्राथमिकता रहेगी? देखिए, वो इलाका हमारा उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित है, हम लोग प्रयास करेंगे जितने से जितने अधिक वहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर सृजित करवा सके। नहीं, कुछ लोग जो हैं विपक्षी कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, खटपट चल रही है, कहीं ना कहीं लगता है क्या उन्हें जवाब मिला है? बिल्कुल जवाब मिला है, बिल्कुल सही समय पर इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। चिराग पासवान इन दिनों ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, जमुई में घूम रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराध बहुत बढ़ गया है। घूमने दीजिए, अब वो घूमते ही रहेंगे। 24 में कुछ फ़ायदा होगा? किन का 24 में चिराग को फायदा होगा? जमुई बुझ तो गया चिराग, एक चिराग बुझ गया है। सुमित सिंह हमारे साथ थे, उन्होंने साफ साफ एक शब्द में ही कह दिया है। सलमान खान जी बसपा के एकमात्र विधायक थे, लेकिन अब जदयू में आ गए, आज मंत्री भी बन गए हैं, क्या आगे उम्मीदें हैं, क्या लगता है? आगे उम्मीद यही है, आप लोगों के आशीर्वाद से क्षेत्र का विकास करूंगा। क्षेत्र के विकास के लिए अपने पहले से भी, जब मैं चुनाव लड़ा था, 3 बार मैं चुनाव हारा, 4थी बार चुनाव लड़के में जीता, ये वहाँ पे लोगों की उम्मीद थी। जमा खान जाएंगे निश्चित रूप में विकास होगा। 4 प्रखंड है, सबसे बड़ा विधानसभा में लगता है बिहार में है, जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। मुझे जिस उम्मीद के तहत लोगों ने चुनाव जीता कर सदन में भेजा है, वहाँ विकास चाहिए, तो विकास अगर करना है तो मैं सोचा कि हमारे विकास पुरुष हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनके नीतीश कुमार के और एनडीए के जो शासन कर रहे हैं, इसमें विकास होगा उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, विकास हुआ भी है, जो हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था, ये सच्चाई है। मतगण हुआ ही है, अभी से ही विपक्षी अपने निशान साधने लगे कि देखिए मुकदमे उन पर हैं, कई सारे ये उनको पता नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये सुन लीजिए, मुझे मैं बताया पहले भी आज भी कह रहा हूँ, मेरे मुकदमा कोई नहीं, आचार संहिता का मुकदमा था। उसके बाद 2002 में मैं जब बीएसपी में था, उस समय कार्यकर्ताओं के बीच लफड़ा झगड़ा हुआ था, मैं वहाँ बीच बिछाव किया था, उसमें भी केस था, इससे काम क्या होता मारपीट वाला, जिस तरीके से विपक्षी कह रहे हैं कि आम सेक्टर सब सब ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ ना। उसके बाद 2002 में आज के 20 साल पहले मैं बनासे रहता था, उसमें पारिवारिक मैंने झगड़ा तनाव था, पारिवारिक झगड़ा में मुझे फंसाया गया था। फिर परिवार के लोगों ने भी चीज़ को कहा कि नहीं, सुनने कोई लेना देना नहीं, लिख पढ़कर दे दिया, कहीं मैं जेल नहीं गया, कोई मामला सब है, ऐसा कुछ। थैंक यू। चलिए, कुल मिलाकर जमा खान थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार में संजय झा जो हैं वो मंत्री बने हैं। संजय झा जी, 5 साल में प्राथमिकताएं फिर से क्या होने वाली हैं? कहीं ना कहीं आप मिथिलांचल से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी? नहीं, प्राथमिकता तो निश्चित रूप से इस बार मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है स्किलिंग का,
इन्वेस्टमेंट का, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का यूथ के लिए। सरकार में जॉब नौकरी की एक सीमित मात्रा है, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, वो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, स्किलिंग नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। और इस पर पूरा थ्रस्ट है सरकार का। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने भी बात किया, US में जो डायस्पोरा है बिहार का, और मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी ये सेल बनने जा रहा है, तो अब एक बेस बन गया है। और इस 5 साल में निश्चित रूप से इन सब चीज क्षेत्रों में, पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो कुंटलिया बाबा को लेकर चर्चा हुई थी, दरभंगा को काफ़ी उम्मीद है आपसे, पिछली बार तो एयरपोर्ट हुआ, इस बार? नहीं, एयरपोर्ट भी हुआ, एम्स भी हुआ। निश्चित रूप से इस बार जो इरीगेशन से रिलेटेड इशू है, सिंचाई से रिलेटेड इशू, उसको जरूर एड्रेस किया जाएगा। मैंने कहीं 5 साल तक सरकार पूरी तरह से चलेगी, 100%, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। बीजेपी JDU को देखें किस तरह सरकार चलाती है, अब 2025 में बात कीजिएगा। चलिए, संजय झा ने साफ साफ कह दिया है कि 2025 में ही बात कीजिएगा। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन आरोपों पर, उन दावों पर कुछ होना जाना नहीं है। तो आपने कुछ मंत्रियों की बातों को सुना है, सभी कह रहे हैं कि आने वाले समय में एजेंडा जो है वो विकास होने वाला है और 2025 तक आराम से यह सरकार चलेगी। बहरहाल आप लाइफ सीरीज पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।